आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन देश को जोड़ने वाला रहा है। उन्होंने धर्म, ज्ञान और संस्कृति को नए संदर्भों के साथ में भारत के पुनरुत्थान के रूप में फिर से स्थापित किया था और देश की एकता के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की थी और देश के लोग चारों स्थानों पर जाए, मठों पर दर्शन करने जाए, देश की जनता का भी दर्शन करें, भारत भूमि का भी दर्शन करें और इसलिए उनका जीवन देश की एकात्मता के लिए था। इसलिए यह वर्ष उनके एकात्मता पर्व का रूप में हम मना रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की स्मृति को स्थायी करने के लिए और उनके अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए भारत ही नहीं तो दुनिया के लोग उनके जीवन पर रिसर्च कर सके और इसलिए केंद्र ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश की सरकार स्थापित करने जा रही है। आदि गुरु शंकराचार्य की वहाँ बड़ी प्रतिमा लगेगी, साथ ही उनके जीवन को रिसर्च कर सके इसलिए बड़ा एक विश्वविद्यालय का जैसा स्थान बनेगा जिसमें लोग ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा भी ले सकते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार जी, अध्यक्ष साहब सत्येंद्र सिंह जी, प्राचार्य राजेंद्र शर्मा जी, यहाँ पे जन अभियान के कार्यकर्ता, सभी सामाजिक संगठन के महिला मतदाता और अभी अपने जो भी यहाँ के कॉलेज परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया है, एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।